हेलो दोस्तों, चैनल चूज योर सेल्फ आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे फोल्डर आइकन पर अपने पिक को कैसे लाएं। तो जानने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेंट ब्रश ओपन करना होगा। यहां किसी एक पिक को लाना होगा। मान ले आप इस पेंगुइन को अगर फोल्डर आइकन बनाना चाहते हैं तो इसे ओपन कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। फाइल मेनू में जाकर इसे करना है सेव एज। यहाँ पर फाइल का लोकेशन सबसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट्स, फिर फाइल नेम आपको देना है और उसके बाद सेव एज टैप में जाकर आपको 24 बिट मैप को सिलेक्ट करना है। इसे कर देना है सेव। पेंट ब्रश को क्लोज करना है। होल्डर आइकन पर आपको करना है राइट क्लिक, फिर आपको जाना है प्रॉपर्टीज में, कस्टमाइज, चेंज आइकन। फिर आपको यहां से जाना है ब्राउजर पर, आपको सिलेक्ट करना है अपने फाइल को। तो मैंने फाइल सेव किया था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फाइल नेम था के। आप देख सकते हैं के BMP आ चुका है। इसको सेलेक्ट करना है, फिर करना है आपको ओपन, ओके, अप्लाई एंड ओके। तो आप देख सकते हैं अभी तक कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है फोल्डर पर, लेकिन जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं देखिए ऐसे जो फोल्डर पहले फोल्डर आइकन बना हुआ था और उस जगह पर पेंगुइन का पिक आ चुका है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।